दे अपने बाल बच्चों के लिए वोट दे तो शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठीक हो जाएगा। जब शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक हो जाए हिंदुस्तान की तो 99% समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता शिक्षित हो जाएगा, जात धर्म से ऊपर उठ जाएगा, तो अपने अधिकार को जानने लगे। जब अधिकार जब जानेगा तो मांगेगा। भावना है, अभी आपने हमारे सभापति महोदय से आंदोलन पूछ रहा था, यह तो अपने आप में सही सोच, सही लोग, सही दिशा, सामूहिक प्रयास एक नारा है और यह नारा सामाजिक क्रांति है। बेकारी जो है 35 साल से आज तक सरकार चल रही है, अभी राजद का, भाजपा का, बेकारी इतना हो गया बिहार में कि कोई पंजाब जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। डॉक्टर वाला है, देखिए मैं अभी भी डॉक्टर ही हूँ। एक आदमी के ना मल्टीपल रोल्स होते हैं, कभी मैं कुंवारा था, फिर शादी हो गई, तो अपनी माँ का बेटा आज भी हूँ, बीवी का पति तो बन ही गए। उससे मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं गांव-गांव तक, हर प्रखंड पंचायत भी हम लोग जा रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल जुड़ रहे हैं। अच्छा सवाल था कि व्यस्त रहे, हाँ ये ज़रूर था कि मैं व्यस्त रहा, कहीं पटना के कार्यक्रम में रहे, स्टेट लेवल पर भी रहे, और जब भी सिवान हम रहे हैं तो इस अपने जन सुराज के कार्यक्रम में जो मौजूद जरूर रहते हैं। शिक्षा का विकास हो ताकि प्रत्येक बिंदु में शिक्षा की बड़ी महत्व है, शिक्षा के बिना जिंदगी बेकार है। या मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। जायजाबाद में सारे हिंदुस्तान वासियों को, सिवान वासियों को, जो लोग भी देश के हमारे नागरिक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद इस आज़ादी के लिए। हमारे पूर्वजों के बलिदान की वजह से आज हम आज़ाद बैठे हुए हैं, आज़ाद हैं, तो उनको भी नमन। ये स्वतंत्रता दिवस आप लोगों के लिए कई माने में विशेष है। आज आप लोग जैसे कार्यालय पर आप लोगों ने पहली बार झंडा फहराया जनसुराज के बिहाफ पर। जाहिर सी बात, पहली बार पार्टी हमारे लॉन्च की है जनसुराज। इस जंगल राज के खात्मा के लिए जनसुराज ने कदम रखा है बिहार में, तो जाहिर सा पहले साल है तो झंडा पहले ही वर्ष हम लोग फहरा रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, टमाटर इतना महंगा है, इतना ये सब है महंगाई, अब मोदी जी पे आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए देश को आज़ादी मिले 77 साल हो गए, आज़ादी तो देश को मिला लेकिन 50% आज़ादी मिला है। अभी शिक्षा से लोग शिक्षित नहीं हुए, शिक्षा से आज़ादी कहाँ मिला इनको, लोगों को कहाँ मिला शिक्षा? जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये आज़ादी बेमाने हैं, जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं होगा तो आज़ादी बेमाने हैं, बेरोजगारी जब तक ख़त्म नहीं होगी तो आज़ादी बेमाने हैं। आज़ादी तो मिला, घूम सकते हैं, लेकिन भुखमरी से आज़ादी कहाँ मिला, बेरोजगारी से आज़ादी कहाँ मिला? इसी के लिए जन सुराज पार्टी जो है आई है, इन सब मुद्दों को लेकर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, उनकी कमियों उनके खामियों को उजागर करेंगे जनता के बीच में। आप निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा, इन सब चीज़ों के समस्या का समाधान जनता करेगी। जब एक बार मैंडेट देगी तो जनता का निश्चित बेरोजगारी भी दूर होगा, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार सरकार में बढ़ेगा। तो कितने सालों में, 77 सालों में हालात बेहतर नहीं हुआ, तो जनसुराज अगर आ जाएगी तो कितना साल लगेगा? एक बार आने दीजिए, उसके बाद जो मिशन लेके जो चल रहे हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पर के जो करप्शन जो कुछ भी यहाँ बढ़ा हुआ है, तो सत्ता आने के बाद ही, सत्ता ही तो इसका सब कुछ समाधान है। जनता एक बार सत्ता दे, अपने बाल बच्चों के लिए वोट दे, तो शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठीक हो जाएगा। जब शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक हो जाए हिंदुस्तान की, तो 99% समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता शिक्षित हो जाएगा, जात धर्म से ऊपर उठ जाएगा, तो अपने अधिकार को जानने लगे। जब अधिकार जब जानेगा तो मांगेगा, वही अधिकार जब जानेगा तब। लेकिन इस सरकार चाहती है जानबूझकर कि लोग शिक्षित न बने। सरकारी स्कूल का दुर्दशा आप देख रहे हैं क्या है, सरकार जानबूझकर उनको चौपट किया हुआ है, इसलिए लोग शिक्षित न हो। जब शिक्षित होंगे तो अधिकार मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे तो सत्ता परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं तब कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए पिछले संडे को डॉक्टर, वकील, बुद्धिजीवी, जिला परिषद के मेंबर, पूर्व मुखिया, सरपंच, पिछले संडे को लगभग हमको लग रहा है कि 40-50 लोग ज्वाइन किए हैं पार्टी को। आज हमेशा दिन पर दिन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पिछले अनेकों लोग ज्वाइन किए, नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और अगले हर संडे को पार्टी कार्यालय में प्रोग्राम है कि हर संडे को नया ज्वाइनिंग कराया जाएगा जो लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, ये
नेताजी, अब नेताजी हो गए हैं लेकिन आपका लुक ड्रेस जो है डॉक्टर वाला है। देखिए मैं अभी भी डॉक्टर ही हूँ। एक आदमी के ना मल्टीपल रोल्स होते हैं, कभी मैं कुंवारा था फिर शादी हो गई, तो अपनी माँ का बेटा आज भी हूँ, बीवी का पति तो बन ही गए। काम कर रहे हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिला अलग? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन ये आ रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि समाज से वो लोग आगे आएँ जिनका ऑलरेडी एक पहचान है समाज सेवी के रूप में, जिनका ऑलरेडी पहले से वो काम करते आ रहे हैं, तो ऐसे लोग ही जनसुराज से जुड़ रहे हैं जिनके अंदर ये भावना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखना एक अलग बात है। तो हमारे अंदर ऐसे लोग भी हैं जो MLA बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि संगठन खड़ा हो और उसके द्वारा समाज का परिवर्तन हो सके, उनका भी स्वागत है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके थ्रू समाज सेवा करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। तो एक परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये है ना कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन के लिए हम लोग कुछ कर पाएँ, एकदम दिली ख्वाहिश है। चुनाव लड़ने की ख्वाहिश अभी नहीं है। अभी तो ये है कि डॉक्टरी के थ्रू मैं जो समाज की सेवा करता हूँ, स्वास्थ्य में मेरा काम है, शिक्षा में मेरा काम है, अगले कई सालों तक जब तक रिटायरमेंट की इच्छा ना हो जाए तब तक मैं चाहता हूँ कि मैं यही काम करता रहूँ जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा प्रशांत किशोर जी, 2024 में अगर आपको जिम्मेदारी दे देते हैं और लोकसभा का टिकट मिल जाता है जनसुराज से, तो क्या डॉक्टर शाहनवाज साहब खड़े उतरेंगे, लड़ेंगे चुनाव? नहीं, मैं अपने आप को उसके लिए अभी तैयार नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे संगठन में ऐसे और भी कई लोग हैं जो इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। जनसुराज में यही खास बात है कि जनसुराज में वो लोग जुड़े हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई आदमी हमसे अच्छा है, और अपना एनालिसिस तो खुद है, दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि जनाधार होना चाहिए, दूसरा जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उसके थोड़ा मैं समाज की सेवा ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। तो ये है कि उस काम को छोड़ करके, जैसे एक टीचर जो पढ़ा रहा है, एक शिक्षक जो पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर जो इलाज कर रहा है, वो छोड़ करके और ये सोचे कि समाज में नाली साफ करा दे, तो ये अतिशयोक्ति है। बेहतर ये है कि वो लोग जो समाज सेवा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिनका जनाधार है, जो जनता को ज़्यादा समय दे सकते हैं, हमारा समर्थन उनको है और हमारा प्रयास ऐसे लोगों को ही ढूंढ के बाहर निकालना है। सर देखिए, नेता नहीं कार्यकर्ता समझिए, क्योंकि अभी तो कोई पार्टी बनी भी नहीं है और मेरा अपना भी कोई विचार वैसा नहीं है कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में, और मैं एक समाज, जब मैं डॉक्टरी में इलाज करता हूँ तो भी मैं समाज का ही कार्यकर्ता हूँ, जब मैं शिक्षा में काम करता हूँ तो भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ, और अगर मैं राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ तो भी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ। मैं इसको अलग रूप में नहीं देखता, मैं उसी कंटिन्यूम में इसको देखता हूँ। एक रोल ये है, दूसरा रोल ये है, तीसरा रोल इसको भी प्ले करना है। बहुत धन्यवाद सर। नदीम साहब तो नहीं, कुछ तो पहले तो हम इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देना चाहते हैं आपको भी और सिवान के सारे लोगों को, देशवासियों को। एक सवाल जो आपने किया, अच्छा सवाल था कि अब व्यस्त रहे, हाँ ये ज़रूर था कि मैं व्यस्त रहा, कहीं पटना के कार्यक्रम में रहे, स्टेट लेवल पर भी रहे, और जब भी सिवान हम रहे हैं तो इस अपने जन सुराज के कार्यक्रम में जो मौजूद ज़रूर रहते हैं। पिछले बार भी, एक हफ्ता पहले भी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैं था, लेकिन हम चले गए थे कुछ ज़रूरी काम से। ऐसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, एकदम ज़मीन लेवल पर कर रहे हैं और फील्ड में ही रहते हैं ज़्यादातर। फील्ड पहली बार कार्यालय को झंडा फहराया गया जी, कि पहली बार फहराया गया, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा।
चुके हैं, अभी तो पहला साल था हम लोगों का, इसलिए पहले ही बारी हो। सिवान के जनसुराज, जनसुराज के लिए ये ऐतिहासिक दिन माना जाए। बिल्कुल, देश के लिए तो है, देश के लिए भी है, राज्य के लिए भी है, और हमारे पार्टी के लिए भी है, और सिवान में भी जो लोग जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ में जिस तादाद में, तो हम लोग तो बहुत उससे उत्साहित भी हैं और बहुत होपफुल भी हैं, और एक नई एक जो है हम लोग को उम्मीदें जो है जगी हैं कि जो है परिवर्तन लाना है। और कुछ आज के दिन नहीं, और आज के दिन क्या, आपसे तो आपने तो कई बार मेरा इंटरव्यू लिया है, कई बार जो है आपने जो है हुआ है, लेकिन जो है आपका जो सवाल होता है बहुत से लोग उसमें उलझ के भी रह जाते हैं ऐसा जो है हैं नहीं, मैं बहुत चूँकि बहुत आप मैच्योर जो है जर्नलिस्ट हैं, इसलिए मैं जो है आपके सवालों का जवाब बड़ा सोच समझ के देता हूँ। नदीम साहब तो हमारे बहुत ले लीजिए मैडम जी। नमस्कार, मेरा नाम माधुरी सिंह कुशवाहा, जन सुराज के महिला अध्यक्ष हूँ। महिला जी जी, आज झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ है कई महीने में, आज आप लोगों के लिए खास दिन है, अगर ये आधी आबादी आज यहाँ कम क्यों दिख रही है? क्योंकि आज ये मान लीजिए हर्षोल्लास का दिन है, हर जगह जैसे कोई टीचर है, कोई हर पोस्ट पर टीचर है, वकील है, चाहे हर मतलब सबका ही अपने स्कूल में अपने अपने प्रोग्राम में सब लोग व्यस्त हैं, तो मान लीजिए कोई फ्री होगा तभी आएगा, ऐसा नहीं हर मीटिंग में सब लोग आते हैं। इस आधी आबादी का चुनाव के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, गाँव गाँव तक हर प्रखंड पंचायत भी हम लोग जा रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल जुड़ रहे हैं। आज क्योंकि जन स्वराज का जैसे कि हमने बोले जन स्वराज का पहली बार यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ जी, इसको किस रूप में देखते हैं? कार्यालय खुला जी, कार्यालय तो चूंकि अभी पहला साल है, हर्षोल्लास के साथ हम लोग ने मनाया, हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को अधिक से अधिक जोड़े, और आगे जो भी हमारे पूरे ये तो भारत में मतलब ये झंडा फहराया जा रहा है, अभी हमारे ऑफिस पे कल के डेट में हर प्रखंड वाइज पंचायत वाइज हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को लेकर लोगों को जोड़ के हर प्रखंड पंचायत जहाँ भी हो रहा है हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। यहाँ पर अभी किसान किशोर का कोई बड़ा कार्यक्रम है सिवान में इधर जी आने वाले हैं? जी जरूर होगा, अभी उनका पदयात्रा खत्म हो रहा है तो यहाँ जरूर आएंगे और बड़ा कार्यक्रम जरूर होगा जी। थैंक यू। चलिए सर, बताया जाए आज आप आए हैं जी। आज जो है 15 अगस्त है आज़ादी का, इस अवसर पर हमारे पूरा जन स्वराज के सदस्य हैं, जिला कमेटी के लोग हैं, जिला स्टैंड के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं प्रशांत किशोर का। बेकारी जो है 35 साल से आज तक सरकार चल रही है, अभी राजद का भाजपा का, बेकारी इतना हो गया है बिहार में कि कोई पंजाब जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, बहुत परेशानी है। हम लोग सोच रहे हैं जितना युवाओं को कुछ भाता द्वारा 10,000-15,000 के लगभग मिले कि बेकारी कुछ युवाओं का दूर हो, हम लोग का यही अभियान है। और हम लोग जन जन पहुँचाने के लिए हर जगह पूरा हम लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। मेरा नाम नरसिंह चौहान, जन स्वराज अनुमंडल अध्यक्ष। एक बार परिचय बता दीजिए। मैं नरसिंह चौहान, जन स्वराज अनुमंडल अध्यक्ष। कौन से जी? किस इलाके से आते हैं? उखई से आते हैं। हाँ उखई। सर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स आप हैं यहाँ पर, जन स्वराज की दिशा दशा अभी तय करने में आप लोगों की बड़ी भूमिका होगी, किस रूप में
जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। प्रशांत जी की सोच सकारात्मक है, कार्य की क्षमता है और कड़ी मेहनत है, ये तीनों उनमें है। और कड़ी मेहनत की जो बात कर रहे हैं, आंदोलन वगैरह तो अब तक तो हमने नहीं देखा है, भले वो घूम रहे हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, उनकी सोच विचार कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो कभी तो आंदोलन ऐसी बात नहीं है। हम लोग के तरफ जब थे तो गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही थी, तो धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। अभी समस्तीपुर में जहाँ वो चल रहे हैं, जहाँ वो सभा कर रहे हैं, वहाँ एक जन आंदोलन सा हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है तो राजेंद्र बाबू की धरती सिवान से उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत पुरानी कहावत है कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां तो बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति के तौर पर अभी तो कुछ निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत जी की ये सोच है कि राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में आना ही होगा। और इस आंदोलन में हो सकता है ज़्यादा चांस है कि 24 की लड़ाई भी हम लोग लड़ें, 25 में तो श्योर है, निश्चित रूप से लड़ना है। जब तक जहाँ तक हम लोग की तैयारी हो जाएगी वहाँ तो हम लोग निश्चित लड़ेंगे। हाँ, मैं यहाँ जिला सभापति हूँ, मेरा नाम है विद्या विनोद प्रसाद। धन्यवाद आपको। कार्यालय पे झंडा लहरा है, लाल किला पे भी पहरेगा? लाल किला पर तो वह देश का लाल किला है, अगर देश में नहीं फहरेगा तो कार्यालय में कैसे फहरेगा? आप लोगों के मतलब आज यहाँ यहाँ एक कभी ऐसा भी होगा क्या कि आप लोगों के जो प्रशांत किशोर जी हैं वहाँ भी झंडा फहराने का मौका मिलेगा? देखिए, पार्टी नेतृत्व सामाजिक परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं, और जो हम लोगों के पार्टी के आलाकमान हैं उनकी शैली जो है एक संस्थागत शैली है, वे सामाजिक परिवर्तन की मुहिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, समाज को बदलने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि प्रशांत किशोर साहब का यह मेहनत जन सुराज के सभी सिपाही जो उनके साथ चल रहे हैं, समाज के लोगों को संदेश जन सुराज का दे रहे हैं, अगर यह जन जन तक जन सुराज का संदेश लोगों तक पहुंचेगा तो लोग जन क्रांति आने की पूर्ण संभावना है। अभी आपने हमारे सभापति महोदय से आंदोलन पूछ रहा था, यह तो अपने आप में सही सोच, सही लोग, सही दिशा, सामूहिक प्रयास एक नारा है, और यह नारा सामाजिक क्रांति है। जिस तरह जयप्रकाश नारायण के समय में हुआ करता था, आप पाएंगे कि एक समय बहुत निकट भविष्य में आ रहा है कि समाज विवश है यह जानने के लिए कि हमारे प्रशांत किशोर साहब जो वह कह रहे हैं वही समाज का मूलभूत ढांचा है, और उसी मूलभूत ढांचे में शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार, खेती में सुधार, समाज के सभी वर्गों का अपेक्षित सहयोग देते हुए सुधार की जो परिकल्पना जन सुराज ने किया है, इससे उम्मीद करते हैं कि लाल किला तक तो निश्चित हम लोगों को जाना है। लाल किला क्या, देश की कोई भी बड़ी संस्था हो उसमें जन सुराज का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। रास्ते पर चले और जन सुराज जो है
भविष्य में उस तरीके से ना सामने आए जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की पूर्व की भूमिका व्यापार की नहीं रही है, सलाहकार और सहयोगी की रही है। प्रशांत किशोर जी का यह मानना है कि चुनाव की रणनीति किस तरह होनी चाहिए, सामाजिक चेतना किस तरह आनी चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक करने का क्या पहल होना चाहिए, इन सब मापदंडों को समाज पर कैसे लाना है, इस भूमिका में प्रशांत किशोर जी ने राजनीतिक दलों को पूर्व में अपना सलाह दिया है। लेकिन उस समय उन्होंने जनसुराज के बैनर तले अपने आप को जनता के बीच नहीं लाया था, उन राजनीतिक दलों के सलाहकार के रूप में वे जाने जाते थे। वर्तमान समय उससे थोड़ा हटकर है, वर्तमान समय में वे स्वयं जनसुराज के बैनर तले जनता के बीच में आए हैं, अपने संगठन के माध्यम से जनता के बीच में आए हैं। यह तो ऐसा अहम सवाल है जिसका जवाब और निर्णय दोनों मेरे बस में नहीं है, यह पार्टी आला कमान। अगर आदेश होगा तो लड़ जाएंगे, पार्टी आला कमान का अगर आदेश होगा, हम सभी एक सिपाही हैं जनसुराज के, किसी भी सिपाही को अगर यह जिम्मेदारी दी जाएगी, वह सिपाही कौन होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस सिपाही को हमारे नेतृत्व द्वारा आदेश दिया जाएगा वह सिपाही निश्चित मैदान में जाएगा, आपके बीच आएगा, जनता के बीच आएगा, आपसे मनुहार गुहार लगाएगा, अपने लिए कहेगा, जनसुराज के बारे में बताएगा, आपसे अपेक्षा करेगा कि आप उसे सहयोग करें। जनसुराज के ये सिपाही सिवान का लोकसभा का विधानसभा जैसा भी प्रतिनिधित्व, हाँ, होना चाहिए, ये पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है, इसलिए हम केवल उम्मीद बता सकते हैं इस, हाँ, पार्टी नेतृत्व का जवाब देने की क्षमता हम लोगों में नहीं हो सकती है, इसलिए इस प्रश्न पर मैं यही कहूँगा कि संभाव्य है, इस संभाव्य में क्या परिवर्तन हो, क्या क्या स्वरूप आए, यह पार्टी नेतृत्व के द्वारा निर्धारित होगा। एक सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी कमजोर है वहाँ पर जनसुराज ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बाकी जगहों के बारे में हमारी कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन सिवान जिले के बारे में अगर पूछेगा तो सिवान जिले में बहुत मुस्तैदी के साथ जनसुराज खड़ा है। सिवान जिले की पृष्ठभूमि में जनसुराज बहुत बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ा है। यहाँ पर राजनीतिक जो परिस्थितियाँ जी बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल रही हैं, और सिवान के लोगों ने राजनीति के घटनाक्रम को बराबर बदला है, और सिवान की जनता का जो रुझान हुआ है वही यहाँ के राजनीतिक परिणाम आए हैं, इसलिए सिवान की जनता जो चाहेगी वही करेगी, और सिवान की जनता जो चाहेगी वही सिवान की जनता का निर्णय होता है। करना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों का कोई प्रयास कोई स्वप्न दिखाना तो नहीं है, हम लोगों का कोई प्रयास आपके खाते में रुपया भेजना नहीं है, आपको मुफ्त अनाज देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपको मुफ्त अनाज दे देंगे और कहीं से काला धन लाकर आपको कुछ रुपया खाते में डाल देंगे, इस तरह के आश्वासन पर जनसुराज नहीं है। जनसुराज ठोस धरातल पर है, और हम समझते हैं कि जनता इस पर विश्वास करेगी, और जनता विश्वास कर रही है, जनसुराज के प्रति जनता का जो समर्पण है, जनसुराज की जो सदस्यता अभियान है उसमें जो जनता का जुड़ाव है, इसको देखकर तो हमें लगता है कि जनता पसंद कर रही है, जनता अपना रही है। वैसे जनता का निर्णय लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, और इस सर्वोपरि में जनता पर यह निर्भर करता है कि वह लुभावने वादों में जाती है या ठोस धरातल की कार्यशैली को पसंद करती है। अगर ठोस धरातल की कार्यशैली को पसंद करेगी तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि जनसुराज की जो परिकल्पना है वह बिल्कुल समाज की सोच और दिशा को बदलने की परिकल्पना है। अच्छी बात है कि अच्छे से देख भी रही है और अच्छे से पढ़ भी रही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं
कि सोना को आग में दाहा जाता है तभी वह सुंदर गहना बनकर के तैयार होता है। मैं सारे श्रीमान वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ पर पैनी नज़र बना करके रखे और मेरे साथ चलें, ताकि मैं जिस मुहिम को लेकर के चला हूँ वो सारे लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। इसके लिए मैं श्रीमान वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे सिर्फ यही राजनीति रहेगी, सबको जोड़ें, शिक्षा का विकास हो, ताकि प्रत्येक बिंदु में शिक्षा की बड़ी महत्व है। शिक्षा के बिना जिंदगी बेकार है, क्योंकि एक मजदूरा अगर मजदूरी भी करता है उसको एक सप्ताह की मजदूरी और गिनने नहीं आएगा। में तो कहीं शिक्षा को प्रदान करें, अच्छे शिक्षक निकले, अच्छे शिक्षा ग्रहण करें लोग, और हर घर में प्रशांत किशोर के रूप में प्रशांत किशोर के सपना को पूरा करें। नज़रिया यही है कि रावण जब तक नहीं होगा तब तक रामायण कैसे लिखा जाएगा, तो उन लोगों का संहार निश्चित है, इसलिए हम लोग तैयार हैं उसके लिए। जी अगर जो भी समाज को तोड़ने की कोशिश करता है, जो भी समाज में ऊंची नीची और भेदभाव में हिंदू मुसलमान की बात करता है, उसे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो रावण का काम कर रहा है। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव हुआ, मैं जन स्वराज कार्यालय जिला प्रभारी हूँ।